थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यह भाग 3 है सेफ्टी का, जो निम्मी बुक है उसी के लिए हम चर्चा कर रहे थे। आइए हम इसे अब आगे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है आग। आग क्या है? आग के बारे में क्या कह रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ जब जलने लगता है, ज्वलनशील है वह, तो उसे आग कहा जाता है। अनचाहे स्थान पर तथा अनचाहे गए मौके पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को क्षति या नष्ट कर सकती है, या व्यक्ति को हानि पहुँचा सकती है तथा कभी कभी इसके कारण जान भी जा सकती है। अतः आग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब आग के लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट इसमें है, यह बार बार पूछा जाता है कि फायर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, फायर किससे किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे लिए आग लगने के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हीट यानी कि ऊष्मा, तीसरा होता है फ्यूल यानी कि ईंधन। मेन होता है ऑक्सीजन, हीट यानी कि ऊष्मा तथा फ्यूल यानी कि ईंधन। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि आग लगने के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, हीट होता है, फ्यूल होता है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ को हम निकाल लें तो हमारी आग बुझ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि आग को बुझाना, आग को मतलब बुझाएंगे कैसे। इनमें से किसी कारण को मेल से अलग करने या हटाने से आग को बुझाया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए 3 बेसिक विधियां हैं, जो तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्विंग मेथड है एक, स्टार्विंग मेथड में क्या किया जाता है, ईंधन को आग से अलग कर दिया जाता है, ईंधन को आग से अलग कर देते हैं और आग बुझ जाएगी जब ईंधन को अलग करेंगे। इसका जो उपयोग होता है क्लास सी फायर की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास सी फायर की आग को बुझाने के लिए हम स्टार्विंग मेथड का उपयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं स्मूथरिंग मेथड। स्मूथरिंग मेथड यानी कि हवा को रोकना, यानी हवा को हम रोक देंगे यानी कि ऑक्सीजन को रोक देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। स्मूथरिंग विधि द्वारा क्या किया जाता है, बी फायर को बुझाया जाता है। बी फायर को यानी कि बी फायर में क्या आता है, लिक्विड से लगने वाली आग जैसे डीजल पेट्रोल ओल से लगने वाली आग, इसे बुझाया किससे जाता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर से, यानी कि स्मूथरिंग विधि जो होती है फोम फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बी क्लास को बुझाने के लिए स्टार्विंग मेथड का इस्तेमाल होगा या स्मूथरिंग होगा या कूलिंग होगा। तो बी क्लास को बुझाने के लिए स्मूथरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। स्मूथरिंग विधि में क्या किया जाता है, हवा को रोका जाता है यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट किया जाता है। यानी कि जब कहीं आग लग जाती है, डीजल पेट्रोल से लगी हुई आग है, तब फोम क्या करता है यानी कि एक झाग की तरह होता है, एक ऊपर से ऐसे कवच बना लेता है। कवच बना लेने के बाद यहाँ से एयर पास नहीं कर पाता है यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट देने के कट जाने के कारण हमारी आग बुझ जाती है। तीसरा है कूलिंग यानी कि ठंडा करना है, यानी कि ताप कम करने के लिए पानी का उपयोग करना। इनमें से कोई भी एक तत्व तो आग को वो बुझाएगा, यानी कूलिंग यानी ठंडा कर रहा है, इससे एक क्लास की आग को बुझाया जाता है। यानी कि जहाँ पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ कूलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास ए फायर के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे, तो क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम कूलिंग मेथड का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट था स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। अब आगे देखते हैं आग कितने प्रकार की होती है। आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर जो होती है यानी कि सॉलिड से लगने वाली आग, जिसे हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं, यानी कि लकड़ी पेपर कपड़ा आदि ठोस पदार्थ से जो आग लगती है वह क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। देखिए इसमें आग को बुझाते कैसे हैं, अति प्रभावीशील जैसे पानी से ठंडा करना, पानी की फुहार देना, यानी कि हम पानी की फुहार देके इन प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। जो एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान होती है, इसे पीले रंग का हाथ बना होता है, पीले रंग का हाथ बना रहेगा।
तथा ए क्लास की जो फायर होती है वह हरा रंग अंग इसके लिए होता है तथा ये इसका सिंबल जो होता है त्रिभुज होता है। क्लास ए फायर के लिए हरा रंग होता है तथा त्रिभुज उसका सिंबल होता है। अब आगे देखते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में जो क्या आती है, ज्वलनशील द्रव्य से लगने वाली आग तथा गलनशील ठोस पदार्थ, यानी कि क्लास बी फायर में लिक्विडों से लगने वाली आग आती है। लिक्विड से लगने वाली आग यानी कि तेली आग, जिसे हम आयल फायर भी कह सकते हैं, आयल फायर हम इसे बोल सकते हैं। आयल फायर को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। ध्यान देंगे क्लास बी वाली किससे बुझेगी, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। इस पे जो सिंबल बना होता है भूरे रंग का हाथ बना होता है, जैसे क्लास ए में पीले रंग का हाथ बना होता है, उसी प्रकार से इसमें जो एक्सटिंग्यूशर पे यानी जो अग्निशामक का इस्तेमाल हम करेंगे उस पे भूरे रंग का हाथ बना रहेगा। बी क्लास वाला बुझेगा कैसे, स्मूथरिंग मेथड से। स्मूथरिंग मेथड से इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है। इसमें दिखे दिया है कि हवा के प्रवाह को बंद करना, जलते हुए द्रव को पूरी सतह से ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। इसके प्रवाह से ऑक्सीजन आग के संपर्क से टूट जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पानी का उपयोग जलते हुए द्रव पे कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि पानी का उपयोग हम क्लास बी के फायर में कभी नहीं करेंगे। फिर देखिए एक लाइन और दिया हुआ है, फोम सूखा पाउडर या CO2 का उपयोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। मेन जो होता है फोम का इस्तेमाल हम करते हैं क्लास बी फायर को बुझाने के लिए। इसका जो प्रतीक होता है ये वह जो प्रतीक होता है स्क्वायर की तरह होता है, यानी कि इस तरह होगा, स्क्वायर होगा, तथा इसका जो रंग होगा लाल होता है। अब तीसरा देखते हैं क्लासीफायर। क्लासीफायर में जो होता है क्लासीफायर के अंतर्गत यानी गैसों से लगने वाली आग, यानी गैस से जो आग लगती है वो क्लासीफायर के अंतर्गत आती है, जैसे मीथेन प्रोपेन इत्यादि। इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूशर में किसका किसका मिश्रण होता है, उसमें हम CO2 का मिश्रण हो सकता है, N2 का मिश्रण हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण हो सकता है। इसका जो होता है इस एक्सटिंग्यूशर पे नीले रंग का हाथ बना होता है, नीले रंग का हाथ, जिस प्रकार से क्लास ए फायर में पीले रंग का हाथ, बी में भूरे रंग का हाथ, उसी तरह से इसके एक्सटिंग्यूशर पे यानी कि ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर पे नीले रंग का हाथ बना होगा। तथा इसको हम बुझाने के लिए क्या करते हैं, स्टार्विंग मेथड का उपयोग करते हैं। स्टार्विंग मेथड में क्या होता है, ईंधन को अलग कर दिया जाता है, ईंधन को हम अलग कर देते हैं। तथा सी क्लास का जो कलर होता है वह नीला होता है तथा वह एक वृत्त की तरह प्रदर्शित किया जाता है। सी क्लास में कलर किस क्या होता है, नीला होता है तथा एक वृत्त की तरह इसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए दिया हुआ है क्लासीफायर में द्रवित गैस के बुझाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, विस्फोट का तथा एकाएक आग फैलने का खतरा रहता है। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग बुझाने वाले साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के सदस्य को बंद कर दें। सुरक्षित विधि है कि अलार्म बजाना तथा आग को बुझाना, प्रशिक्षित लोगों को छोड़ दें, सूखे चूड़ वाले सामग का उपयोग इस प्रकार का आग पर करें, विशेष चूड़ का विकास हो चुका है जो इस प्रकार की आग को बुझाने और नियंत्रित कर सकता है। यानी सी क्लास को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं सी क्लास को बुझाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्लास डी फायर में क्या आता है, मेटल से लगने वाली आग, यानी जो धातुओं से आग लगती है तथा जो बिजली से आग लगती है, बिजली जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है वह क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है। क्लास डी फायर के अंतर्गत जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए हम हैलान अग्निशामक का उपयोग करते हैं। हैलान अग्निशामक में क्या क्या होता है, हैलान अग्निशामक में दो चीज़ें भरी होती है, CTC एंड BCF। BCF यानी कि CTC और BCF किस में होता है, हैलान अग्निशामक में होता है। क्लास डी फायर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फायर यानी बिजली से लगने वाली आग किसके अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे डी फायर के अंतर्गत आती है। तथा यह किससे बुझेगा, बुझाने के लिए हम हैलान फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हैलान फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, हैलान फायर एक्सटिंग्यूशर में जो होता है CTC और BCF का इस्तेमाल करते हैं। CTC और BCF बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि डी वाले में क्या होता है, CTC और BCF।
अब आगे देखते हैं, इसका जो प्रतीक होता है यह पीला होता है, पीला, और जो स्टार बना होता है, स्टार पीला होगा तथा स्टार बना रहेगा। जिस प्रकार से ए क्लास में त्रिभुज था हरा, बी में स्क्वायर था लाल, सी में गोला था नीला, तथा डी में स्टार बना रहेगा पीला होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि CTC फायर एक्सटिंग्यूशर किसका बना होता है, तो पीतल का बना होता है, पीतल का बना होता है। है इस प्रकार से हम चारों आग को देख चुके हैं, यानी कि आग कितने प्रकार की थी, आग चार प्रकार थी, एक क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। ए के अंतर्गत क्या आ रहा था, ए के अंतर्गत सॉलिड आ रहा था, सॉलिड यानी कि लकड़ी ठोस पदार्थों से लगने वाली। बी के अंतर्गत क्या आ रहा था, लिक्विड यानी पेट्रोल डीजल से लगने वाली आग। सी में क्या आ रहा था, गैसों से लगने वाली आग, गैसों से लगने वाली आग का तात्पर्य यानी मीथेन प्रोपेन से लगने वाली आग। डी में क्या आ रहा था, मेटल फायर या इलेक्ट्रिक फायर, मेटल या इलेक्ट्रिक फायर। यानी फिर ए वाला किससे बुझ रहा था, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर से, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर से। बी वाला किससे बुझ रहा था, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर से। सी वाले बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। डी को बुझाने के लिए हैलान फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। ये चारों जो आग की श्रेणियाँ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे हमेशा याद करके रखेंगे। अब आगे देखते हैं अग्निशामक कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आग को बुझाते हैं। या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अग्निशामक, अग्नि लपेटे शामक तथा शामक मात्र एक सुरक्षा उपकरण जिसका उपयोग शमक में अथवा छोटी छोटी आग के नियंत्रण में अधिकांश आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। आग की विभिन्न प्रकार की आग से निपटने के लिए बहुत तरह के अग्निशामक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वाटर फायर एक्सटिंग्यूशर बना हुआ है, या फोम फायर है, या फायर ब्लैंकेट है, या पाउडर वाला है, या CO2 है, या CTC है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इसका इस्तेमाल किसमें होगा, डी फायर को, डी तरह की आग को बुझाने के लिए। या देखिए एक गैस कॉटेज टाइप होता है, एक स्टोर्ड प्रेशर टाइप होता है, दो प्रकार के होते हैं। या देखिए पहले वाले में या गैस टाइप का बना हुआ है, या दूसरे वाले में प्रेशर स्टोर्ड प्रेशर टाइप का बना हुआ है। या देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फायर एक्सटिंग्यूशर है यह वाला, ठीक। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, चारों यह इम्पॉर्टेंट है कि किसमें किस श्रेणी की आग को किससे बुझाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चारों बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना के दिया हुआ है, क्लास ए फायर के अंतर्गत क्या आता है, बी के अंतर्गत क्या आता है, सी के अंतर्गत क्या आता है, डी के अंतर्गत। ए वाले में देखिए लकड़ी कागज यानी सॉलिड वाला, बी वाला तेल संबंधी आग यानी कि लिक्विड, सी में गैस संबंधी आग जिसे मीथेन प्रोपेन, डी में विद्युत और धातुओं से लगने वाली आग। अब आगे देखते हैं, इसमें यह प्रक्रिया दिखाया गया है कि सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सील को तोड़ते हैं, उसके बाद कैसे कैसे क्या करना है, एक्सटिंग्यूशर के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। अब आगे देखते हैं, आगे एक लास्ट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PAWS, पी अग्निशामक में PAWS बहुत उपयोगी है। पी का मतलब होता है कि खींचना, पुल, ए माने निशाना लगाना, एम, यस माने होता है स्क्वेज माने दबाना, यस माने इधर उधर घुमाना, यानी कि क्या करना है, खींचना है, फिर निशाना लगाना है कि आग कहाँ लगी है, फिर उसे दबाना है, फिर इधर उधर घुमाना है जितने तरफ आग लगी है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PAWS, इसे भी आप जरूर याद कर लें, पुल एम स्क्वेज एंड स्वीप, पुल एम स्क्वेज एंड स्वीप। इसमें जितने जितने इम्पॉर्टेंट थे सेफ्टी में लगभग सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था सेफ्टी किसी भी ट्रेड के लिए, फीटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हम दे रहे हो, इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तथा इसका अगर आपको यह पूरे PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तथा बाकी अपना एक शॉर्ट नोट बनाइए ताकि जो परीक्षा देने जाएँ उस समय आप पढ़ लें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे UP RVNL, UPPCL, DMRC, ONGC, IOCL, रेलवेज में बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे के लेसन की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, यानी पूरे तीन पार्ट में सेफ्टी चैप्टर को ख़त्म किया गया है। तीनों पार्ट आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप प्रथम वर्ष में हैं, फीटर में हो या इलेक्ट्रीशियन में हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तीनों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।